रॉ को कंप्लीट कर लेते हैं। ये रॉ जो है हमारी, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं सिंगल क्रोशे की, ठीक है। इस रॉ को कंप्लीट करके तो फिर नेक्स्ट रॉ में हम आपको डिवीजन करके बताएंगे। तो ये हमारा राउंड हो गया है कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, हम बनाएंगे चेन टू। इस तरीके से इसका वर्क को अपने टर्न कर लेंगे चेन टू बना के। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे है, ठीक है। हम बनाएंगे 17 मोर डबल क्रोशे, यानी हमारे पास टोटल 18 डबल क्रोशे होने चाहिए। 18 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये 18 जो है ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि 7 स्टिचेस को ड्रॉप करना है और 28 में हमने आके यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह स्टिच मार्कर लगाने से आसानी होती है। तो यहाँ पे हमने 28 पे आके और यहाँ पे डबल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह बाकी के जो फंदे हैं, बाकी के जो हमारे सिंगल क्रोशे हैं, उनके ऊपर हम डबल क्रोशे बना लेंगे। तो बचेंगे यहाँ तक हम बनाएंगे। यहाँ हमने स्टिच मार्कर लगा दिया और यहाँ जो है बनाएंगे और उसके बाद बताएंगे आपको। तो यहाँ से यहाँ तक हम 37 हमारे पास स्टिच बचेंगे जो हम डबल क्रोशे बना लेंगे। 37 स्टिचेस का बना लेंगे डबल क्रोशे। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे सेकेंड आर्म का जो होल है। ये देखिए फर्स्ट आर्म का, फर्स्ट आर्म होल हमारा पास ये आ गया है यहाँ पे इस तरीके से। ये फर्स्ट आर्म होल हमारा बन गया और ये हमारा जो है ये पार्ट बन रहा है, ठीक है। ये हमारा जो था फ्रंट पार्ट है और ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये हमारा बैक पार्ट है। और फिर यहाँ से हमारा सेकेंड आर्म होल बनेगा। हम 26 यहाँ पे 27 छोड़ेंगे, 27 और 28 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे फिर वही 18 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरीके से ये डिवीजन होगा इसका। तो इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक हमारे 37 स्टिचेस हमने बना लिए। अब यहाँ पे हमने वही सेम करना है प्रोसेस। ये हमने 27 हमने यहाँ पे ये मार्कर लगा लिया, 27 हमने स्किप कर दिए और यहाँ 28 से और यहाँ तक हमारे 18 डबल क्रोशे बनेंगे। तो ये इस तरीके से इसकी डिवीजन होगी। तो इसको मैं आपको कंप्लीट करके तो फिर दिखाती हूँ। ये 18 हमें डबल क्रोशे बना ले तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल बनी है। तो ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। और ये देखिए ये हमारे जो हमने बनाया है योग, इसकी ये शेप आ गई इस तरीके से। ये इसकी शेप आ गई, ये आपके आर्म होल्स हो गए दोनों और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये बैक पार्ट है। मैं इसको अब फर्दर आगे लेके चलूंगी और फर्दर आगे यही लाइनें हैं जो हम इनको आगे लेके जाएंगे। अगर आप फ्रॉक के स्टाइल में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें जो है वो इंक्रीजिंग करके आप बड़ा कर सकते हैं इसको, इस तरीके से फ्रॉक के स्टाइल में बना सकते हैं। और कार्डिगन के स्टाइल में बना रहे हैं तो इसको बस एज इट इज ही हम लाइनें इसकी बनाएंगे। तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये सोचो जो हमारा तकरीबन कम्प्लीट। तो टोटल लाइन्स हमारी बता देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टोटल, यानी ऊपर से यहाँ से देख रही हूँ मैं। तो यहाँ से 12 लाइन्स हैं और लास्ट में हम एक डबल क्रोशे से
इसकी स्लीव्स का, एक स्लीव मैंने ऑफ कैमरा बना ली है और सेकंड स्लीव मैं आपके सामने बनाऊंगी कि किस तरीके से आपको बनानी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो थे टोटल 27 स्टिचेस थे। अब ये जो बीच के जो स्टिचेस आपको नजर आ रहे हैं, हम यहाँ से 1, 2 और 3 ये और इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास 30 स्टिचेस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ बीच से स्टार्ट लूंगी, इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ये सीधी साइड से बना रही हूँ क्योंकि डबल क्रोशे हमने सीधी साइड से ही बनाया है। तो यहाँ से हम इस तरीके से डबल क्रोशे का एक यहाँ से ठीक है। छोटे सी जगह है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इस तरीके से हम यहाँ से इसको स्टार्ट लेंगे, ठीक है, एक चेन बना लेंगे। इस तरीके से फिर ये जो हमने डबल क्रोशे बनाया हुआ है, एक हम इस में से स्टिच ले लेंगे और एक स्टिच हम 10 लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारे 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। चेन 2 बना के एक हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड, ये, ठीक है। ये सेकंड डबल क्रोशे हो जाएगा और फिर हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ पे 27 और यहाँ पे फिर एक जो डबल क्रोशे है इसको फिर अटैच कर देंगे इसका। तो हमारे पास टोटल 30 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर हम आपको इसकी शेप दिखाएंगे, ठीक है। हम इसको यहाँ से स्टार्ट हमने ले लिया है और हम यहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ हमने मार्कर लगाया हुआ है, और इसके बाद हम यहाँ से एक उठाएंगे और यहाँ पे इसको फिर अटैच कर देंगे। ये हम मार्कर की साइड पर पहुँच गए, यहाँ पर हम क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास 29 डबल क्रोशे हो गए इस वक्त। और हम एक डबल क्रोशे यहाँ से उठाएंगे, हमने एक वहाँ से उठाया था, एक यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। और इसको जो हमने चेन 3 बनाई है उसके साथ अटैच कर देंगे, सही है, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये जो हमने चेन 3 बनाई थी इसके साथ हम अटैच कर देंगे। ये हमारे पूरे 30 डबल क्रोशे हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज करना है और वाइट कलर से हमें फिर वही वाइट कलर से हमें बनाना है सिंगल क्रोशे, वो हम उल्टी साइड से बनाएंगे, यानी रॉन्ग साइड से बनाएंगे। तो उसके लिए हम फिर अपना वाइट कलर लगाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और फिर इसी मैनर में बनाते हुए यहाँ पे हमने ये वाइट कलर लिया, ठीक है, चेन 1 बनाई और यहाँ डबल क्रोशे हमने डबल क्रोशे बन के ऊपर सिंगल क्रोशे बना लिया, ठीक है। ये हम इसी मैनर में इसको पूरा बनाएंगे, 30 स्टिचेस जो हैं उनका सिंगल क्रोशे बना लेंगे और वापस में फिर पलट के हम सीधी साइड से डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस मैनर में हम पूरा बनाते हुए आस्तीन को जो है हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम टोटल कितनी रो बनाएंगे जो हमारी स्लीव जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है ना,
उसके बाद हमने ये वामपाइट बनाएंगे, तो ये 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 रोज हम बना लेंगे इस तरीके से, 7 रोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और फिर वाइट स्टार्ट करके और ये बॉर्डर बना लेंगे। इसको हम इस तरीके से कंप्लीट करके, तो फिर आपको ये हमारी सारी रोज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे वाइट कलर से एक डबल क्रोशे की रो बनाएंगे और उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे, वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे और हम सीधी ही तरफ से इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब हम जो है बॉर्डर बना रहे हैं। चेन टू लेके फिर यहाँ से डबल क्रोशे स्टार्ट करूँगी और पूरी लाइन जो है डबल क्रोशे की बना के, सॉरी डबल क्रोशे की पूरी लाइन हम बनाएंगे पूरी रॉ जो है ये हम डबल क्रोशे की बनाएंगे और उसके बाद हम बॉर्डर डालेंगे। बॉर्डर आपको पता ही है, फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे की 2 लाइंस बना के इसका ये बॉर्डर, ये देखिए जिस तरीके से ये हमने बनाया इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, यहाँ मैंने ये डबल क्रोशे की रो कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हम बॉर्डर स्टार्ट कर देंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे का बॉर्डर बना लेंगे चारों तरफ। तो इसमें एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसमें सीरीज में कोई डिक्रीज नहीं किए, इसको एज इट इज़ बनाया है। 30 मैंने स्टिचेस यहाँ से लिए थे, जो वो पूरे 30 स्टिचेस यहाँ तक रखे हैं। तो मैं इसको बॉर्डर को कंप्लीट करूँगी फिर उसके बाद हम हमारा जो लास्ट स्टेप है वो इसकी फिनिशिंग है वो करके और फिर हम इसमें बटन लगा देंगे। तो हम ये सब के इसको कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हम इसकी फिनिशिंग कैसे करेंगे। तो हमारी ये जो स्लीव्स हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आप यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे इसको फाइन करना है बस। तो हम यहाँ पे एक डबल क्रोशे की से एक रो बना लेंगे, बॉर्डर सा बना लेंगे। तो ये एक नीट करने के लिए इसको ना ये अच्छा लगेगा, फिर यहाँ पे बटन भी लगाना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे, 1, 2 और यहाँ जो हमारे पास ये डबल क्रोशे बने हुए हैं इनके बीच में से हम इस तरीके से ले लेंगे डबल क्रोशे। ये जो जगह है, जो भी जगह है उसमें हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे, जो सिंगल क्रोशे है उसमें एक बनाएंगे और जो डबल क्रोशे है उसमें हम यानी 2 डबल क्रोशे लेंगे। जो सिंगल क्रोशे बनाया है हमने उसमें हम एक लेंगे और बाकी में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हम पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ये हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया और हम यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ये बनाएंगे फिर और यहाँ इसको एंड करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको पूरा कंप्लीट करके लिए देखिए हमारी ये बटन पट्टी जो है वो ये तैयार हो गई है, इस तरीके से फिनिशिंग आ गई है इसमें, ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैं जो हूँ बटन लगा दूंगी एक डिफरेंट यानी फासले फासले से हम इसमें ये बटन लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ बटन लगा के इसको फाइनल लुक दे देंगे। इस तरीके से ये हमारा जो है स्वेटर ये रेडी हो जाएगा। यहाँ से हम इसको बटन को यहाँ से इस तरीके से ये एक यूँ निकाल लेंगे।